प्रकृति अगर चाहे कि पश्चिम में सूर्योदय हो, प्रकृति सो नहीं कर सकेगी, क्यों ना यह परम पुरुष कर सकता है। ठीक वैसा मनुष्य अगर चाहे कि माथा नीचे और पैर ऊपर करके वो चले, वो नहीं चल सकेगा, क्यों नैया परम पुरुष का संकल्प है और उसी के अनुसार प्रबंध प्रकृति ने किया है। अब यह जो प्राकृत श्रेष्ठ व्यवस्था जिसको हम प्राकृत व्यवस्था कहते हैं, नेचर कहते हैं, नेचुरल कहते हैं, यह भी यहाँ भी नेचर को आजादी नहीं मिली है, वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी, सो बात नहीं है, इतनी आजादी नहीं है। परम पुरुष की व्यवस्था, परम पुरुष का प्लान जो है, उसी को क्रियान्वित करना प्रकृति का काम है, उसको सर्टेन लिमिटेशन में कम करना पड़ता है। और जैसे तुम लोग 5 ईयर्स प्लान वगैरह बनाते हो ना, उसमें है कि फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा, सेकंड में ऐसा आगे बढ़ेगा, थर्ड में ऐसा आगे बढ़ेगा, कि उसी प्रकार का इस जगत में हर चीज के पीछे भी परम पुरुष का प्लान है। अब प्रकृति स्टेप बाय स्टेप उस प्लान को क्रियान्वित कर रही है। प्राचीन काल में जब दुनिया की पैदाइश हुई, उस वक्त मनुष्य नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे, उसके बाद जीव जंतु आए, उसके बाद बड़े बड़े जीव जंतु आए, उसके बाद वो जीव जंतु सब चले गए, डिफरेंट एजेस आए। आर्कियोजोइक एज था, प्रोटोजोइक एज था, पैलियोजोइक एज था, उस समय में एक प्रचलित आज के युग के जो पेड़ पौधे जीव जंतु कोई नहीं थे। उसके बाद टैक्सियर ये जाए, क्रेटेरियन ये जाए, आके आके क्रम से धीरे धीरे पेड़ पौधे बनने लगे, बड़े बड़े जीव जंतु आए, होते होते जब प्लायोसीन आए, तब वर्तमान जीव जंतु पेड़ पौधा का पूर्व पुरुष जो है उनकी पैदाइश हुई। प्लायोसीन ये जाए, मनुष्य की पैदाइश हुई, होते होते आज मेसाजोइक कैनोजोइक आ गया, इस एज में मनुष्य कितना डेवलप्ड एनिमल है। और कुछ दिनों के बाद होगा क्या, यह मनुष्य भी नहीं रहेगा, शक्ल में परिवर्तन आ जाएगा, होते होते और एक नया कोई जीव बनेगा, उसको हम मनुष्य नहीं बोलेंगे, और वह कहेंगे प्राचीन काल में मनुष्य नाम का एक जीव था जो घर द्वार बनाता था, मकान बनाता था, मगर वो बहुत आपसी लड़ाई करते थे, उनके मन में बहुत द्वेष था, आपस में लड़ाई करके आखिर तक उनका अंत हो गया है, माटी के नीचे से उनका कंकाल निकल रहा है। रिसर्च करेंगे यूनिवर्सिटी में, अच्छा कोई बैंक, अच्छा मनुष्य नाम का जो जीव था पुस्तक लिख सकते थे कि नहीं, कोई बोले आ सकते थे, कोई बोले नहीं सकते थे। कुछ मनुष्य का स्केलेटन कंकाल लेकर म्यूजियम में रखेंगे, बोलेंगे इसका नाम था मनुष्य, जीव था, इसमें और बहुत गुण था, किंतु मुख्य दोष था कि आपसी लड़ाई करते थे। इनमें कुछ आदमी जानते थे कि ये सब कोई परम पिता के संतान है, और जानने पर भी कुछ आदमी आपसी लड़ाई करते थे, इसीलिए उनका उनमें बुद्धि थी, किंतु ठोस बुद्धि नहीं थी, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन उनमें नहीं था, डिस्ट्रक्टिव ब्रेन था। मगर मैं चाहता हूँ कि भविष्य के जो उन्नत जीव ऐसा तुम लोग के संबंध में नहीं बोले, समझे ना, यही बोले कि वे उन्नत जीव थे, आपस में काफी प्रेम था और सामूहिक उन्नति हुई, और इतना डेवलप हो गया कि ये आर्ट उनके लिए और उपयुक्त नहीं है, अभी भी मेरे से और स्टार्स में है, बहुत डेवलप है, ऐसा लोग मंतव्य करें। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है परम पुरुष का अपना स्कीम के भीतर में है, ये ब्लूप्रिंट रची का भी जरूरत है। तो सब छह प्लान में उनका, तो प्रकृति प्लान के अनुसार काम कर रही है, बाध्य है, इधर उधर नहीं कर सकती है। आप कल महाचक्र में कहा गया था ना कि सात्विकी भय हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कि परम पुरुष को आनंद देना मेरा काम है, मेरे जिस कर्म से परम पुरुष को आनंद नहीं मिल रहा है ये तो बहुत दुख की बात है, इस कर्म से नहीं था, इसी के कारण एक भय, अपने कुकर्म से भय, परम पुरुष से भय नहीं।
प्रकृति के मन प्रकृति में भी उस तरह का भय है कि मैं इस तरह का काम करूं ताकि परम पुरुष को आनंद मिले, जिस कर्म से नहीं मिले तो परम पुरुष को आनंद नहीं मिलेगा, परम पुरुष रुष्ट हो जाएंगे, यह भय प्रकृति में भी है। और जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो जानबूझकर हो चाहे अनजाने हो वे भी परम पुरुष से भयभीत हैं, और भयभीत होने की वजह यही है और कुछ नहीं। जानते हो तो विशोष्माद वायु पवते विशो देती सूर्य विशोष्माद अग्निश्चेन्द्रेति मृत्यु धावती पंचमा तस्माद उच्यते भीषणमिति। परम पुरुष के जितने नाम हैं उनमें एक नाम है प्रचलित नाम क्या है ना भीषण। भीषण नाम क्या है क्यों है ना उनके भय से उनके डर से वायु पवते हवा बह रही है। अब देखो हवा का एक नाम क्या है अनिल, नौ में हर्षय का नील, नौ में दीर्घय का नील माने ब्लू, नौ में हर्षय का नील, नील माने है स्टेशनरी फिक्स्ड जो चलता नहीं है ध्रुव फिक्स्ड, अनिल माने जो स्टेशनरी नहीं है जो फिक्स्ड नहीं है। हवा का धर्म है केवल चलना केवल बहना, इसलिए हवा का नाम है अनिल। तो विशोष्माद वायु पवते ये जो वायु हवा जो ये बह रही है चल रही है मूव कर रही है, हवा के मन में हो सकता है कभी कभी ख्वाहिश हो इच्छा हो कि मैं भी बैठ जाऊं, नहीं वो बैठने का मौका नहीं है कि परम पुरुष के प्लान के अनुसार हवा की जो पैदाइश हुई उसमें यह धर्म दिया गया कि चलना ही तेरा काम है चलना ही तेरा धर्म है, इसलिए हवा का नाम अनिल। विशोष्माद वायु पवते उनके डर से हवा को बहना पड़ जाता। अब तुम लोग देखो यह जो चलना क्या सिर्फ हवा का धर्म है क्या तुम्हारा धर्म नहीं है? अरे चलना ही जीवन है, जहां बैठ गए हो तो मर गए हो, चलना ही जीवन, और जहां मनुष्य बैठ गए तो उनकी मौत हो गई। मनुष्य में एक स्वाभाविक वृत्ति है, जीव में एक स्वाभाविक वृत्ति है, वो मरना नहीं चाहता है वो जीवित रहना चाहता है। जो सबों के लिए पूजनीय है जो सबसे अधिक पूजनीय है वो मैंने समझ उन्हीं को जानना है, और उन्हीं को जानने के लिए मनुष्य जो चेष्टा करते हैं मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है मनुष्य का जो प्रयास है उस प्रयास का नाम है आध्यात्मिक साधना। इस साधना के अधिकारी हर इंसान है, साधना शुरू कर दे प्रयास शुरू कर दे जय अवश्य होगी।